नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंगेस्ट्रो पे। और आज हम इस पाम को एनालाइज करेंगे। एक मेल पाम है और इनकी एज 31 ईयर्स है। और फिलहाल इनके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही है जिसके रिगार्डिंग इन्होंने हमसे संपर्क करा है और इसके बारे में जानना चाहते हैं। इन्होंने सारे टर्म एंड कंडीशन फॉलो करने के बाद हम तक अपनी पाम पहुँचाई है। तो चलिए इनके पाम को हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि समस्याएँ कहाँ से आ रही है और उसका क्या बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। जैसे कि आप देख रहे हैं, मणिबंध की रेखाएं बहुत ही कम यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन जो है वो काफ़ी अच्छी है और अच्छी स्थिति में है। जातक की आयु से संबंधित एक गणना बता रही है जो कि बहुत ही बेहतर है। बाकी रेखाएं हम ऊपर से जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, जीवन रेखा, जीवन रेखा यहाँ से निकल के आ रही है अपने मूल स्थान से आने के पश्चात ये नीचे की तरफ आ गई है। कहाँ पे? तो केतु के ऊपरी शिखर पे। और साथ में बुध की रेखा शुक्र के निचले तल से जाके जीवन रेखा के साथ लगभग 6 से 7 वर्ष गमन करने के पश्चात ये ऊपर की तरफ जाके मंगल में मिल गई है। ठीक है, ये क्या स्थिति बताती है? हम सारी रेखाओं का अवलोकन करेंगे। शुरुआत में एक एक रेखाओं से हम इसे शुरू करते हैं। जीवन रेखा की स्थिति बहुत ही बेहतरीन है। जीवन रेखा दो रेखाओं के संगम से बनी है जो कि एक रेखा आपके गुरु पर्वत से आ रही है। जब ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के संस्कारों को भरती है, संस्कारों को जन्म देती है। ऐसे लोग काफी आस्थावान होते हैं और पारिवारिक संस्कार अपने पारिवारिक मूल्यों को हमेशा सहेज के रखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, दो अलग हो चुकी है। मतलब जब जातक की एज 8 से 10 वर्ष की अवस्था में थी उस समय जातक को मंगल जनित समस्याएं आई थी, यानी कि इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था जिसके कारण 2 से 3 वर्ष की अवस्था तक जातक को विभिन्न प्रकार की शारीरिक परेशानियों से सामना करना पड़ा। इसके पश्चात उनकी स्थिति बेहतर हुई और जातक आगे की तरफ बढ़े। लेकिन फिर जब जातक की उम्र लगभग 16 से 17 वर्ष की आयु थी उस समय जातक फिर नीचे की तरफ आए, फिर उनके साथ समस्याएं पैदा हुई। लेकिन इस बार समस्याएं दूसरी यहाँ पे दर्शा रही है। इस बार समस्याएं राहु के क्षेत्र की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि कार्यों के प्रति असफलता। इस समय जातक के जो एजुकेशन सेक्टर और जो उनकी पढ़ाई लिखाई थी उसमें जातक को यहाँ पे व्यवधान मिला है। इसके पश्चात जो दूसरी रेखा है वो है लगभग 19 से 21 वर्ष की उम्र में, जिस समय जातक के लिए फिर से राहु की तरफ से समस्याएं आई, यानी कि असफलता कंटिन्यूड इनके साथ बनी हुई थी। लेकिन इसके पश्चात स्थिति में काफ़ी बेहतर सुधार, क्योंकि शुक्र की जो यहाँ की स्थितियाँ हैं वे आफ्टर 19 इनके लिए एक्टिवेट हो चुकी थी और इनके लिए स्थितियों को बेहतर कर रही है। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्थिति में आगे की तरफ जाके मंगल पे जा रही है। यही एक स्थिति इनके लिए विपरीत है, क्योंकि अगर सही तरीके से जाना होता तो इसे बुध पे जाना चाहिए था, जो कि ये बुध पे ना जाके ये मंगल की तरफ मुड़ गई है। मंगल की तरफ मुड़ने का मतलब मंगल जनित समस्याएं इनके जीवन में आएगी। चूंकि मैंने इनका लेफ्ट पाम भी चेक करा है, यहाँ पे एनालाइज सिर्फ कर रहा हूँ राइट पाम की, तो वहाँ पे सिंबल अच्छे सिंबल वहाँ पे नहीं है। तो जातक के जीवन में मंगल दोष की स्थितियाँ यहाँ पे भी आप देख रहे हैं और वहाँ पे भी इनके जीवन में पैदा हुई है। मंगल दोष साधारण नहीं है, मंगल दोष काफ़ी विशिष्ट है, क्योंकि दो मुख्य रेखाओं के साथ कई प्रकार की रेखाओं ने इसे क्रॉस किया है जो कि स्थिति को थोड़ा मुश्किल बना रही है। जातक का जीवन 20 वर्ष के पश्चात 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष यानी कि लगभग 10 से 11 वर्ष तक आपके लिए बहुत ही सुंदर स्थिति यहाँ पे पैदा कर रहा है। आपकी वर्तमान आयु 31 वर्ष है, यानी कि आप पिछले एक साल, जैसा कि आपने बताया कि मेरा करियर अब तक का बहुत ही बेहतरीन रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं परेशान हूँ, तो ये आपकी कुछ दिनों की समस्या ना हो के ये पिछले एक साल से आपके साथ ये समस्याएं लगी हुई हैं और जो अभी आगे 9 से 10 महीने तक और आपके साथ ये कंटिन्यू करने वाली है। ये समस्याएं कहाँ से आ रही है? ये समस्याएं आपको मंगल और शुक्र पे जो आपकी ये चक्र की स्थिति बन रही है इसके कारण यहाँ पे पैदा हो रही है। ये इतनी शुभ सिंबल है, ये चक्र की यहाँ पे बनना बहुत कम लोगों के हाथों में पाया जाता है। चक्र अगर शुक्र के क्षेत्र में बनता है बहुत ही शुभ है, बहुत ही उत्तम है। ऐसे व्यक्ति हमेशा आर्थिक रूप से संपन्न रहते हैं, फिनेंशियली ये लोग बहुत ऊपर तक जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके जीवन में लाभ होता है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे समस्या आ रही है कि इसे बाहरी रेखाओं ने काट के इसे जाम करके रखा हुआ है, इसे बंद करके रखा हुआ है, इसे पूर्ण रूप से उदित नहीं होने दे रही है। इसका क्या मतलब है? शुक्र पे जैसे ही बनता है व्यक्ति भोगी विलासी और
मतलब नवाब किस्म के व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं, इनके पास धन की कमी नहीं होती, दूसरों की सेवा में भी खर्च करते हैं, दूसरों के लिए भी खर्च करते हैं, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बंधुओं के लिए। ये लोग बहुत ही उदार प्रवृत्ति के माने जाते हैं। किसी को भी पैसे की आवश्यकता होती है, आप पैसे देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपको उसका लाभ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि हठ धर्मिकता के कारण आप में आंशिक रूप से एक ईगो की स्थिति है जो कि आपको थोड़ा पीछे कर रही है। आपको चीज़ों को जरा गौर करना चाहिए। आप दूसरों की मदद करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे आपको भूल जाना चाहिए। उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना या उन चीज़ों को प्रचारित करना आपके लिए बहुत ही हानि का सबब यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, लोग विपरीत तरीके से उसे ले रहे हैं, और जिनको आप कर रहे हो, जिनके लिए आप कर रहे हो, वही आपके लिए घातक साबित हो रहे हैं। आपको निश्चित रूप से जो भी आप परोपकार के काम करते हो, आप करते रहो, लेकिन उसे करो और भूल जाओ। आप शो ऑफ के कारण आपके लिए समस्याएं यहाँ पे पैदा हो रही है, आपके लिए स्थितियाँ थोड़ी विपरीत हो रही हैं। इसलिए आपको अभी सबसे आवश्यकता है कि हर एक वैसी जगह से जहाँ से भी आपको लग रहा है कि कुछ समस्याएं आ सकती हैं, उनसे आप दूर रहो। लड़कियों से आगे आने वाले समय में विशेष रूप से दूर रहें। बिजनेस के मामले में पूर्ण रूप से सचेत रहें, क्योंकि मंगल पर जाने की स्थिति है आपके साथ, कोर्ट केस की समस्या, इसके अलावा बहुत ही बुरी स्थिति भी यहाँ पे आने की संभावना है, जिसमें बिजनेस में कुछ ऐसे आप के साथ कुछ आप पे आरोप लग सकते हैं, उन आरोपियों की सजा भी आपको हो सकती है। ठीक है, तो अभी आने वाला समय आपके लिए अत्यंत भारी है, इसलिए आपको मंगल की शांति के उपाय आपको निश्चित रूप से करने चाहिए। मंगल और सूर्य, सूर्य आपको विभिन्न प्रकार की प्रतिष्ठा पे आपको आघात लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपकी प्रतिष्ठा पे आघात लगेगा, आप पे कलंक लगेंगे, इसलिए आपको उससे बचने की अभी आवश्यकता है। आप अच्छे कर्म करें ना करें, आप पे गलत का ही आरोप लगेगा, इसलिए सूर्य और मंगल की शांति अत्यंत आवश्यक है। पत्नी को पीड़ा हो सकती है, आपकी जो पत्नी है उनको शारीरिक पीड़ा होने के यहाँ पे अंदेशे बन रहे हैं, स्थितियाँ बन रही है, वे आपके लिए बहुत लकी है। आई थिंक कि आपकी मैरिज, लव मैरिज आपकी हुई है और आपको एक संतान भी है, लेकिन पत्नी जनित समस्याएं अभी आपके जीवन में अब आगे आने वाले समय में अप्रत्याशित रूप से बढ़ने वाली है, जो कि अभी तक नहीं थी। आपकी अगर पत्नी की मैं एनालिसिस करूँ तो यहाँ पे एक द्वीप की स्थिति बन रही है, बहुत ही बेहतरीन। आफ्टर मैरिज आपके लिए भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं, सब कुछ था, सब कुछ बेहतर, बहुत ही अच्छी उम्र में, लगभग 24 से 25 वर्ष की उम्र में आपकी शादी भी हुई है, लेकिन आपके लिए स्थिति अभी अब मुश्किल आ रही है, क्योंकि मंगल की जो रेखा है वो साथ में इसकी तरफ बढ़ रही है। ठीक है, साथ में उनपे भी आघात कर रही है। राहु की स्थिति भी यहाँ पे थोड़ी सी क्रॉस के साथ बढ़ रही है। ये स्थितियाँ आपके लिए, दोनों व्यक्तियों के लिए परेशानी का कारण बनने वाली है। तो अभी आने वाले समय में कम से कम नवंबर 2018 तक आपको खास खास कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। जैसे इस समय तक आप किसी भी प्रकार का दान न करें, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भिखारी को, किसी भी अपने सगे संबंधी को उधार न दें, दान न करें। इस समय आप मंगल की शांति के उपाय करें, जो कि मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। इसके अलावा सूर्य की शांति के आपको उपाय करने हैं, और बुध से जनित आपको रेमेडी लेनी है। बुध और गुरु, इन दोनों को आपने बढ़ाना है। ये जो यहाँ पे चक्र है, ये खुद मुक्त हो जाएंगे जब गुरु उच्च अवस्था में आएंगे, तो ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। फिलहाल आपके लिए समय थोड़ा भारी है। कहीं भी कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचे, कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचे। ठीक है, और अमावस्या के बाद की तिथि को आपके लिए दो रत्न मैंने डिसाइड करे हैं, उन दोनों रत्नों को आप धारण करें, आपके लिए स्थिति बहुत ही बेहतर होती चली जाएगी। अन्यथा आपके लिए स्थितियां दुभर हो ही रखी है और आगे भी होगी। आगे आपके लिए अगर बात करें तो नवंबर 2018 के बाद स्थितियों में काफ़ी सुधार हो रहा है। तत्काल विदेश यात्रा के योग हैं आपको अगले 1.5 साल में, और आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्नता की ओर ही इशारा कर रही है। ठीक है, तो आर्थिक रूप से आप काफ़ी संपन्न होने जा रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप पहले भी थे, यहाँ पर भी स्थिति आपकी वैसे ही बनी हुई है, यहाँ पर भी मत्स्य चिन्ह की जैसी स्थितियाँ बनी हुई है। हालांकि मत्स्य चिन्ह है नहीं, लेकिन इसकी स्थितियाँ जो है ना, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए काम यहाँ पे कर रही है। तो ऑलमोस्ट स्थिति आपकी बेहतर है। आपको बस ये जो मुख्य मैंने कार्य बोले, बस इतना ही आपको करना है। बाकी आपकी रेखाओं की स्थिति में ज़्यादा कोई झोलझाल है नहीं, स्थितियाँ बेहतर हैं। माउंट की स्थिति भी आपकी काफ़ी बेहतर है।
आप वैसे भी गुरु प्रधान जातक आप यहाँ पे हैं, और शनि की स्थिति भी बेहतर है, सूर्य की दशा में थोड़े से नुकसान की स्थितियाँ पैदा कर रही है, बुध की दशा बहुत ही बेहतर है, ठीक है। बुध पर जो एक खास एक मंगल की तरफ से जो आपकी रेखा जा रही है ना, ये इसने मंगल की इस रेखा को भी काफी बल प्रदान किया है, ठीक है। मंगल की ये रेखा भी यहाँ पे चली गई, दूसरे मंगल से भी रेखा निकल के आ गई और चली गई बुध पर्वत पे। बिजनेस में जो आप काम कर रहे हो इसमें आपको ये समस्याएं पैदा करेगी। आप उत्खनन से संबंधित जैसे कि आपने बताया कि कार्यों में आप लगे हुए हैं, तो फिलहाल हाथ खींच लें, फिलहाल उन चीजों को जो जैसे चल रहा है चलने दें, कोई भी इलीगल कार्य की तरफ बिल्कुल झुकाव ना बढ़ाएं, म्यूचुअल फंड की तरफ ना जाएं, जुआ वगैरह, इसके अलावा कुछ ड्रिंक अगर आप करते हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि चंद्र भी नीच अवस्था में है, चंद्र और मंगल की युति आपका विनाश कर देगी, ठीक है। अभी आप बहुत संभले हुए हैं, बहुत स्थिति आपके काबू में है, अभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो उसके अनुसार आप काम करें, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप फिर भी बचाव नहीं करते हैं तो स्थितियाँ दुर्भर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद संभालने से आपके नहीं संभलेगी, इसलिए चीज़ों पे गौर करें, हमारी बातों पे गौर करें, और जो रेमेडी बताई गई है उसके अनुसार आप आगे बढ़े, आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। अपनी भावनाओं पे हमेशा काबू रखें, कभी भी आपे से बाहर न हो जाएं। स्थितियाँ बता रही हैं कि आप आपे से बाहर हो जा रहे हो, चीज़ों को आप समझ नहीं रहे हो, जब आप रिएक्ट करते हो तो दूसरे की आप नहीं सुन रहे हो, स्थिति आपके लिए बहुत ही दुर्भर है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक साथ दोनों रेखा, हृदय रेखा यहाँ से कट के अलग हुई है, लेकिन इसने जीवन रेखा का सॉरी भाग्य रेखा का साथ इसने पकड़ लिया है, ठीक है। तो बिजनेस में आगे पीछे चलता रहता है, ऐसी स्थिति ना आने पाए कि थोड़े से पैसों के लिए बहुत कुछ चला जाए हाथ से। अभी बर्दाश्त करें, समय अभी आपके फेवर में नहीं है, हमेशा सबके फेवर में नहीं रहता, पहले आपका समय बलवान था, अब समय बलवान है, ठीक है। आपका समय थोड़ा वीक चल रहा है, तो अभी आपके लिए सबसे उत्तम है कि आप मौन हो जाएं, शांत हो जाएं। जब आपका समय फिर से बलवान होगा, फिर अपने आप ही कमजोर हो जाएगा, फिर आपके लिए स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। समय को, आपके समय को बलवान करने के लिए जो मैंने बताए हैं वो उपाय आप करें, आपको तत्काल उसका लाभ मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी, ज़्यादा कुछ है नहीं, सब बेहतर है, बस तत्कालिक समस्या आपके जीवन में अगले 9 से 10 महीने तक जो है बस वही समस्या है, उसके उपरांत फिर से आपकी स्थिति बेहतर है। जैसे ही ये रेखा मुक्त हो जाएगी शुक्र की, ये चक्र, उसके बाद तो कहना ही नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो बस इसी अनुसार काम करें, आपको लाभ होगा। मिलते हैं फिर। हाँ, और कुछ समस्या आपको हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना, जो भी रेमेडी है मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा आपको व्हाट्सएप किया देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं फिर।